नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूँ हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो व शास्त्री नगर में बाढ़ का पानी लौटा मगर अपने पीछे छोड़ गया तबाही, गंदगी और महामारी की आशंका। बकरीद के लिए बकरों का सज गया है बाजार मगर महंगाई भी है सवार, कई बकरे आकर्षण का केंद्र। और साक्षी में आबकारी विभाग का छापा, तीन गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में देसी व विदेशी शराब जब्त। अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में हालांकि बाढ़ का पानी उतर गया है मगर अपने पीछे छोड़ गया है भारी तबाही। धीरे धीरे लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं पर प्रशासन के प्रति उनमें काफी रोष देखा गया। शास्त्री नगर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में थे, सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था और सैकड़ों बाढ़ प्रभावितों ने अपने सामान व परिवार के साथ राहत शिविरों में शरण ले रखी थी। मंगलवार तक हालांकि बाढ़ का पानी लौट गया मगर अपने पीछे छोड़ गया भारी तबाही, सड़ांध और महामारी का खतरा। बाढ़ प्रभावित एक बार फिर से अपने आशियाने को बनाने व रहने लायक बनाने में जुटे हैं। साफ सफाई में काफी वक्त और मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ का पानी अपने साथ गंदगी, मिट्टी और सड़ांध लाई थी जो अब वहां भी मौजूद है। यहां काफी गंदगी व बदबू को देखते हुए महामारी के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाढ़ प्रभावितों से जब न्यूज टाइम्स ने बातचीत की तो उनका रोष प्रशासन के प्रति दिखा, वे प्रशासन की व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आए। हेमंत सोलन के जो निकम्मी सरकार है वो क्या किया हम लोग के लिए, इतना बड़ा बाढ़ आया कोई क्या किया हम लोग के लिए? एक टाइम का भोजन भी दिया, एक तरफ का भोजन तो छोड़े, सफाई के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन द्वारा कोई आया था? नहीं, प्रशासन द्वारा कोई नहीं आया। जिस दिन डूबा है खाली आके मोइना करके गया है। ये जो निकम्पी सरकार है खाली नाम पे कि हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे, वो कर रहे करे खाली करती है। अभी जो ब्लीचिंग पाउडर डाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो डाला है तो टाटा कंपनी के द्वारा डालाया गया है। अच्छा। अभी क्या सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, सब कुछ मतलब भाग गया, मतलब घर में कोई सामान बचा नहीं। एक बैग पानी घुसा घर में शाम का टाइम में, कौन आदमी किसके घर में शरण लेने जाएगा बताइए। तो 3 दिन से क्या खाना का कैसा? 3 दिन का व्यवस्था वही है कि रोड से जा रहा है तो 10-5 रुपए का आलू चाप सिंघाड़ा ला के घर में किसी तरह से बाल बच्चा को चला रहा है, खिला रहा है, और क्या करेगा आदमी? कहीं से कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है, किसी का सहायता नहीं है। भैया वो लिखा वाला खाली किताब क्या रखे? उसके लिए कि खाना पीने के लिए दिक्कत है, लाइन एकदम मतलब परेशानी, बच्चा लोग एकदम मतलब हम बाढ़ का पानी आया घर, अभी तक पानी नहीं निकला है, खाना पीना भी हम लोग का बहुत मुश्किल हो रहा है, घर से पानी निकल रहा ही नहीं है, सब मुश्किल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम का पानी जास्ती घुसा है। बकरीद पर बाजार में बिकने के लिए आए एक बकरे की कीमत है 80,000 और प्रतिदिन इस बकरे पर 200 रुपए खर्च होते हैं। बकरीद के मद्देनजर साक्षी आम बागान में बकरों का बाजार सज चुका है। हर साल यहां बकरों का मेला सा लगता है। इस बार करीब 25 व्यापारी लगभग 4,000 बकरों के साथ यहां आए हैं। यहां कुर्बान नामक एक बकरा आकर्षण का केंद्र है। व्यापारी मोहम्मद ताहिर ने बताया कि कुर्बान पर प्रतिदिन 200 रुपए खर्च होते हैं। उसने इसे बचपन से पाला है और बकरीद के मौके पर इसे बाजार में बेचने को लाया है। इसकी कीमत 80,000 रखा गया है। उसने कहा कि खरीदार आ रहे हैं मगर इसे कोई पारखी खरीदार ही खरीदेगा। चना खुला के खाता और पत्ता खाता, बस साफ सफाई में रहता है। फोल्डिंग चाहिए। इतने महंगा क्यों है? इतना महंगा क्यों है? महंगा इससे भी महंगा खर्ची मेरा दो कलकत्ता में किया हुआ। कितने दाम का? 95,000 रुपये एक फुट का। डेली इसके पीछे 200 रुपये खर्चा है। चना खाता है, चना का फुल्सी खाता है, चोकर खाता है। क्या बता रहे सोने के लिए? क्या बता रहे? फोल्डिंग रहता है। क्या क्या नाम है इन लोगों का? एक तो का सुभान नाम है, एक तो का कुर्बान नाम है। महंगाई की मार बकरीद पर्व पर भी पड़ने लगी है। बाजार में बकरों की कीमत आसमान छूने लगी है। बकरीद के अवसर पर साक्षी आम बागान में बकरों की बिक्री होती है। यहां दूर दराज के व्यापारी बकरों को लाते हैं।
इस बार महंगाई के मद्देनजर बकरों की कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में जबरदस्त उछाल है। इससे गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगला साल हम 1,200 रुपए में खरीद रहे थे, इस साल उसका दाम जस्ट 26,000-27,000 इतना फर्क है और बहुत ज्यादा बार्गेनिंग है, बहुत ज्यादा महंगाई है। सांची शीतला मंदिर के पीछे अवैध शराब दुकान में छापा मारकर आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने सांची शीतला मंदिर के पीछे एक दुकान पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में देसी व विदेशी शराब जब्त किया। के पास प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में निर्देशानुसार आज शीतला मंदिर के टीना सेठ दुकान नंबर 4 से अवैध चुलाई शिकायतें मिल रही थी, तो आज गुप्त सूचना के आधार पे वहां से करीब 280 लीटर देसी शराब और 63 लीटर विदेशी शराब और 280 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गई है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार की गई। दुकान यही जो अनुसंधान चल रहा है, चूंकि वो टीना सेट में था, एक शिकायतें मेरे पास पहले भी आ रही थी लेकिन हम लोग के द्वारा जब भी वहाँ छापामारी की जाती थी तो हम लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। इस बार आज औचक निरीक्षण किया गया, उसी क्रम में वहाँ पे टीना सेट में बाहर सब्जी मंडी वाले भी इसके त्रस्त थे और इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, आज वो गिरफ्तार हुए। कब से चल रहा है? उत्पाद नियम पे जो भी लोग गए हैं, चूंकि इनके पास इतने अवैध मात्रा में विदेशी और देसी शराब है कि इनको जेल भेजा जाएगा। पाइलिंग तूफान का असर इस क्षेत्र में भी देखने को मिला है। बारिश और तेज आंधी से पिछली रात बहरागोड़ा और चाकुलिया क्षेत्र के लगभग 130 घरों को ध्वस्त कर दिया है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे बहरागोड़ा एवं चाकुलिया के बाशिंदों ने बताया कि आंधी व बारिश ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया है और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उनके साथ आए विधायक विद्युत वरण महतो ने कहा कि रिंगुनी गांव की सैकड़ों एकड़ में फसल नष्ट हो गए हैं। करीब बहरागुड़ा में लगभग 130 घर जो है ढह गया है और चाकुलिया में 30-35 के आसपास है और इसी तरह लोग स्कूल में शरण लिए हुए हैं, कहीं सामुदायिक भवन में लिए हुए हैं और कार्यकर्ता को हमने निर्देश दिया कि किसी तरह का दिक्कत ना होने वाला। और अभी उपायुक्त महोदय से काले हमारा बात हुआ था डीसी साहब से, तो उन्होंने कहा अभी हम मुसावनी में हैं और कल हम लोग बात करेंगे, हम सारी रिपोर्ट उन लोगों को दे दिए हैं। और इसके साथ साथ जो रांगुनिया है चित्रेश्वर पंचायत में, उसमें फसल का काफ़ी नष्ट हुआ है, पूरा बालू में ढक गया है जिसमें भारी क्षति है, मतलब हजारों एकड़ जमीन जो कट गई है इसमें किसानों का भारी क्षति हुआ है। और इस संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी सूचना कर चुके हैं किस तरह का तबाही है और काफ़ी गरीब लोग हैं जिन लोगों का मकान ढह गया है। वही हम बोले कि BPL का इसको मार्ग नहीं रखा जाए, BPL कंडीशन नहीं रखा जाए, जेतु गरीब है, निहाते गरीब है, इसको जो मकान बनना चाहिए। और उन्होंने आश्वस्त किया कि आज 4 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी ब्लॉक के वीडियो CO की उन्होंने इंस्ट्रक्शन देने का बात कही है और सप्ताह भर के भीतर सारा रिपोर्ट तैयार करके देने को कहा गया, जिसमें जितना जल्दी हो सके आपदा विभाग से जो है इनका मुआवजा मिले और मकान के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। स्वर्णरेखा खरकाई में उफान के बाद मानगो व शास्त्री नगर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। SDO ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। स्वर्णरेखा व खरकाई में उफान के बाद शास्त्री नगर व मानगो के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे। सैकड़ों घर डूब गए और सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। मंगलवार को पानी उतर गया और स्थिति सामान्य होने लगी, लोग घरों में लौटने लगे। SDO प्रियरंजन ने बताया कि
राहत शिविरों में तमाम तैयारियां थी और अभी स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई व महामारी को देखते हुए सीओ और सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र बागबेरा, शास्त्री नगर, राम जन्म नगर, सलाई के कुछ हिस्से, मानजो के कुछ हिस्से प्रभावित हुए थे। हम लोगों ने उसमें जो भी संभव था वो राहत किया था और करीब हमारे 15 राहत शिविरों में 2300 के करीब परिवार थे और जो नियमानुसार राहत सामग्री है वो वितरण किया गया। हम लोगों ने वोट का इस्तेमाल करके देर रात गए उन लोगों को भी निकाला जो हमारे बार बार आग्रह के बावजूद घर से बाहर नहीं आए। पहले से ही इस बार आशंका थी, उस संबंध में प्रचार प्रसार किया गया था और उपायुक्त महोदय का सिर्फ एक पंक्ति का निर्देश था कि किसी भी हाल में हर व्यक्ति को बचा लेना है, बाहर कर लेना है उस प्रभावित एरिया से ताकि जान का नुकसान न हो। हमें लगता है कि प्रशासन ने यह कार्य किया है, हम लोगों ने मिल के और हमारे सारे जो कंसर्न स्टाफ हैं सब दिन रात लग के जो हम कर सकते थे वो किया है। कभी कभी कुछ अव्यवहारिक मांगे कर दी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद हमने हर लोगों की मांग पे खरा उतरने का प्रयास किया है। पानी कम होने के बाद बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है, उस संबंध में उपायुक्त महोदय ने एक बैठक करके सभी विशेष पदाधिकारी को और कंसर्न डीडीओ सिविल सर्जन पेयजल स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया है काफी त्वरित गति से ये कार्य किया जाएगा। बारीगोड़ा फुटबॉल मैदान में विजयदशमी को रावण दहन किया गया, इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बारीगोड़ा फुटबॉल मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले ने रावण वध किया, इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सोनारी भूतनाथ मंदिर के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को उपायुक्त से धार्मिक आस्था से जुस्को द्वारा खिलवाड़ की शिकायत की है। सोनारी भूतनाथ मंदिर के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जुस्को द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ व पुजारी से मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जुस्को के कुछ लोग आकर जबरन तोड़फोड़ कर रहे थे, उनका नेतृत्व रविशंकर सिंह ने किया। साढ़े 12 बजे के तकरीबन दल बल के साथ आए, दल बल के साथ आए मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में 20-25 दिन पुराना हमने नारियल के पेड़ लगाए थे, पेड़ पौधा भी लगाए हुए थे जिसको उन्होंने पेड़ पौधा उखाड़ा और साथ ही साथ धान पेटी को उखाड़ के लेके गए और साथ ही साथ हमारी पुरोहित पंडित जी के पुरोहित जी हैं तो रात को ही अकेला वहाँ रहते हैं, तो इनके द्वारा जब विरोध किया गया तो जुस्को के गुंडा पार्टियों के द्वारा बोला गया कि आप चुप रहिए नहीं तो आपके भी उठा के लेके चले जाएंगे हम लोग, तो गायब कर देंगे। इसके बाद इन्होंने चुपचाप रात में शांति बनाए रखा डर भय से और इन्होंने जब सुबह बताया तो हम लोग जब मंदिर में गए, अभी भी आप लोग जाके देखिएगा तारास जो है क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जो कि पर्यावरण दृष्टिकोण से भी पेड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे निजी संस्था के द्वारा हो चाहे प्रशासन के द्वारा हो पेड़ पौधा लगाया जा रहा है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। हम लोगों ने भी एक मंदिर के कैंपस में प्रांगण में सुंदरता के दृष्टिकोण से नारियल के गाँच हम लोग 15-20 गाँच लगाया जिसमें तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया हम लोगों को खर्चा आया, उसका सुरक्षा सुरक्षा दृष्टिकोण से उसको बैरिकेडिंग करने में भी इसको जिसको प्रशासन ने रात को डकैत के जैसा 12:30 बजे आके पेड़ को उखाड़ फेंका, साथ में धान पेटी ले गया, साथ ही साथ हमारे पुरोहित पंडित जी को धमकी दिया कि तुम्हें भी उठा ले। भगवान ब्रह्मानंद जन्मोत्सव के मौके पर ब्रह्मानंद संघ द्वारा भव्य रथ निकाला गया, ये रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परिक्रमा करेगा। भगवान ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ द्वारा भव्य रथ निकाला गया। इस रथ का नाम लॉर्ड ब्रह्मानंद रथ रखा गया है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगा और प्रेम, श्रद्धा और भाईचारा का संदेश देगा। Yeah.
अतीत का कुछ ऐसा दृष्टांत है सामने में। रामायण में भी भगवान श्री राम ने भी इस तरह के तो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भी अश्व को छोड़ा दिया था। वो अपना टेरिटरी को डिमार्केशन करने के लिए उसको जगह जगह में छोड़ दिया था। उसको रोकने का ताकत उनका पुत्र छोड़कर के कोई और किसी ने दिखाया नहीं। लव कुश ने उनका रथ को रोक लिया है। ये रामायण का कहानी है, ठीक उसी तरह महाभारत की कहानी ऐसा है। जब हस्तिनापुर से निकाला गया है उस राक्षस युग में युधिष्ठिर ने तुरंत अश्व छोड़ा था, जिस अश्व को डिमार्केशन के लिए वहाँ पे महाभारत में किसी के ताकत नहीं था कि उस राक्षस को रोका जा सके। सिमिलरली वैसा दृष्ट लेकर के मैं उस रथ को नहीं चला रहा हूँ। मेरा रथ चलाने का मतलब है कि मेरा भगवान के जरिए से ब्रह्मोद्धाम का सृष्टि हुआ है। भगवान के जरिए से ब्रह्मोद्धाम का जो स्थापना हुई है, ब्रह्मोद्धाम में जो नित्य प्रतिदिन जप पूजा पाठ आदि वगैरह होती है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए मैं उस रथ को चलाना चाह रहा हूँ। रथ के माध्यम से जन समूहों में, जन साधारण में मैं ये संवाद पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे भगवान ऐसा है जो कि जप में विश्वास रखते हैं, भक्ति में विश्वास रखते हैं, पूजा में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड जुगसलाई मंडल द्वारा मंगलवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप कर आरपी पटेल हाई स्कूल व राजकीय औषधालय जुगसलाई में व्याप्त गड़बड़ी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। जनता दल यूनाइटेड जुगसलाई मंडल के प्रतिनिधियों ने आरपी पटेल हाई स्कूल एवं राजकीय औषधालय का निरीक्षण किया एवं वहां कई खामियों को देखा। मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उक्त खामियों को दूर करने व जांच करने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है जिसमे 9 सूत्री मांगों का डिटेल्स डाला गया है, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि विगत 2 दिनों पहले जो भारी बारिश हुई है उसके कारण आरपी पटेल प्रांगण में स्थित जमीन जो है उसका दीवाल गिर चुका है और उसके महज 10 फीट की दूरी में वहाँ पे वाटर टैंक बनाया गया है नई जलापूर्ति योजना के अंतर्गत। वो टंकी कभी भी घटनाग्रस्त हो सकती है क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है जिसके ऊपर में वो टंकी बनाया गया है वो भरती है। वहाँ पे कचरा डंप किया गया था, उसके बाद उसके ऊपर में वाटर टैंक बना दिया गया है। हम लोगों ने ये मांग की है उपायुक्त साहब से कि इस दीवार की और उस पानी की टंकी की तुरंत जांच होनी चाहिए क्योंकि वो स्कूल परिसर में बनाया गया है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि स्कूल परिसर में पानी का टंकी बनना चाहिए या नहीं। दूसरा, वहाँ रिहायशी इलाका है। तीसरा, वहाँ पे उनके टंकी के निर्माण का जो मापदंड है उसको पूरी तरह से निभाया गया है या नहीं, इसी इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग आज उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया है। 19 व 20 अक्टूबर को माइकल जॉन प्रेक्षा गृह में अंतर्राष्ट्रीय संथाल अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए डीसी मुर्मू ने बताया कि आगामी 19 व 20 अक्टूबर को माइकल जॉन प्रेक्षा गृह में अंतर्राष्ट्रीय संथाल अधिवेशन का आयोजन होगा जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमारे इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का 6 संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग ने बुलाया है। ये संगठन इंटरनेशनल संथाल काउंसिल 1990 में बना था, उसके बाद फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1991 में जमशेदपुर में, 1993 में झापा में नेपाल में, 1995 में आपके न्यू दिल्ली में हुआ, उसके बाद फोर्थ कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में टाटा ऑडिटोरियम में, 5th कॉन्फ्रेंस अगेन नेपाल में विराटनगर में। वहीं पर ये तय किया गया था कि 6th कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश में हम लोग करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्थिति खराब होने के चलते वहाँ के हमारे साथियों ने कहा कि इस साल हम लोग नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर जो 7th कॉन्फ्रेंस होगा तो बांग्लादेश में होगा। उसीलिए पूरा हम लोग ये निर्णय किया कि नहीं, ये 6 कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में ही किया जाए।